बस वाली भैया रुक जाइए, आपने हनुमान के समक्ष कोई विकल्प नहीं छोड़ा, इसीलिए हनुमान आपसे युद्ध करने के लिए प्रस्तुत है। हनुमत सुत है आज्ञाकारी, जनक जननी सम्मान रखारी, सब जन के रक्षक हनुमाना, रखते शीश निबल कर माना, धर्म शांति मर्याद रखैया, हनुमत जग कर बनत सहैया, कोई चले मार्ग धर्म के, मारुति धर्म योद्ध करे उससे। अंततः मेरे शब्दों का कुछ प्रभाव तो पड़ा तुम पर, तुम्हारे भीतर साहस का संचार तो हुआ, और अब जब हम युद्ध करने ही वाले हैं तो फिर उसके नियम भी स्थापित कर लेते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये सब मैं यथार्थ में देख रहा हूं। पुत्र वाली, तुम क्या चाहते हो भोले भाले हनुमान से? हाँ, ये मरकट हनुमान भोला भाला नहीं है, अत्यंत शक्तिशाली है ये, और अब इस युद्ध में इस मरकट को पराजित कर मैं ये प्रमाणित कर दूंगा कि मुझ में इससे कहीं अधिक शक्ति है। वाली भैया, अब कुछ और सुनना कहना व्यर्थ है, हमारा युद्ध होगा ये तो निश्चित हो चुका है, आप उसके नियम स्थापित कर रहे थे। इतनी बार अस्वीकार करने के बाद अब युद्ध के लिए तुम्हारी उत्सुकता देखकर वाली अत्यंत प्रसन्न हुआ। सुनो मरकट, इस युद्ध के नियम कुछ इस प्रकार होंगे। सर्वप्रथम दोनों ही योद्धा अपने समर्थकों और सहयोगियों का चुनाव करेंगे, और ये मैं घोषणा करता हूं कि मैं असुरों का सहयोग प्राप्त करूंगा, असुरों का साथ। और आप वाली भैया, हमारा दुर्भाग्य है, हमें तो साथ मिलकर अपनी शक्ति को एकत्रित कर असुरों से युद्ध करना चाहिए था, परंतु उस मायावी ने जब सुग्रीव भैया का अपहरण किया था तब मुझे आभास हो गया था कि आप आसुरी शक्तियों का साथ दे रहे हैं। पुत्र वाली, यदि तुम हनुमान से युद्ध करना चाहते हो तो अवश्य करो, किंतु राक्षसों का साथ लेकर अधर्म के मार्ग पर आगे ना बढ़ो पुत्र, उसमें तुम्हारा विनाश निश्चित है। हाँ वाली भैया, आप किसी को भी अपने साथ चुन लीजिए, परंतु राक्षसों का ध्येय प्रभु के कार्य में व्यवधान डालना है, और हरि भक्तों को परेशान करने में उन्हें बहुत आनंद आता है, ये धर्म के विरुद्ध है। मुझे तुम्हारा उपदेश नहीं चाहिए मरकट, मैं वही करूंगा जो मेरी इच्छा होगी। तुम बताओ, तुम किसका सहयोग प्राप्त करोगे? मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं है, मेरे माता पिता यहाँ उपस्थित हैं, उनका आशीर्वाद ही मेरे लिए पर्याप्त है, उनके आशीष से मुझे बल प्राप्त होता है जिससे मैं संसार की किसी भी शक्ति को परास्त कर सकता हूँ।
जैसी तुम्हारी इच्छा। यदि तुम किसी का सहयोग ना लेने का निश्चय करने की मूर्खता कर रहे हो तो ये तुम्हारा निश्चय है, परंतु मैं आसुरी शक्तियों का सहयोग प्राप्त करूंगा और ये मेरा निश्चय स्थिर है। नहीं वाली, यह अन्यायपूर्ण होगा। हनुमान के विरुद्ध युद्ध में तुम आसुरी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते। प्रणाम वायुदेव। आप सबका कल्याण। वायुदेव, यह युद्ध मेरे और हनुमान के मध्य है और इसमें हस्तक्षेप करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। वाली, तुमने हमारा अपमान किया, हमने उसे स्वीकार किया, किंतु तुम वायुदेव का अपमान करने का उद्दंड नहीं कर सकते। वायुदेव, वाली भैया मेरे अग्रज हैं, वो अपनी शक्ति के अहंकार से भ्रमित हो चुके हैं। उनके इस व्यवहार के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। बस मरकट, बस। महानतम वाली किसी से भी क्षमा नहीं मांगता और तुम्हें भी उसकी ओर से किसी से क्षमा याचना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब भी समय है, मैं तुम्हें पुनः सचेत कर रहा हूँ। अपने अहंकार को त्याग कर धर्मोचित व्यवहार कर, अन्यथा तुम्हारा यह अहंकार तुम्हारे लिए विनाश का कारण अवश्य बने। इस युद्ध के परिणाम की प्रतीक्षा कीजिए वायुदेव, आपको स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि कौन विजयी होगा और किसका पतन होगा। वाली भैया, वायुदेव का अपमान कर आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। बताइए, इस युद्ध का कोई और नियम है क्या? हाँ, है एक अंतिम नियम। हमारा यह युद्ध प्रतिदिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक होगा और ये युद्ध तभी समाप्त होगा जब हम दोनों में से किसी एक की मृत्यु या निश्चित पराजय होगी। मुझे स्वीकार है वाली भैया। वाली, तुमने सभी मर्यादाओं का हनन किया है, अपने बड़ों का निरादर और तिरस्कार किया है, तो हम कैसे विश्वास कर कि तुम्हारे द्वारा निर्धारित किए गए नियमों का तुम उल्लंघन नहीं करोगे? वायुदेव, आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। आप प्रस्थान कीजिए यहाँ से। वाली, मैंने तुम्हारी चेतना को जागृत करने का प्रयास, परंतु तुमने मेरा भी अपमान किया। अवश्य ही तुम अपने विनाश की ओर बढ़ रहे हो और शीघ्र ही तुम्हारे दम का परिणाम तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत होगा। मेरा आशीर्वाद हनुमान के साथ। विनाश करेगा वाली अपने समक्ष आने वाली प्रत्येक विरोधी शक्ति का। मानता हूं मैं मरकट,
कल सूर्योदय की वेला में हमारा युद्ध और तुम्हारे सर्वनाश का प्रारंभ होगा। वाली भैया, मैं प्रस्तुत हो जाऊंगा, परंतु उसके पूर्व आपको वचन देना होगा। हमारे इस द्वंद युद्ध के अंत होने तक सुग्रीव भैया का कोई अनिष्ट नहीं होना चाहिए। बस इतनी सी बात स्वीकार है मुझे। कोकट, सभी वन राज्यों के वानरों को आमंत्रित करो। वो यहाँ आकर हमारे द्वंद युद्ध और उसके परिणाम के प्रत्यक्ष दर्शी बने। वो अपने नेत्रों से हनुमान की पराजय और काका केसरी जी के मुकुट को मेरे चरणों में पड़ा हुआ देखें। हनुमान, अब जितनी इच्छा हो उतना आशीष ले लो अपने माता पिता से। कल युद्ध भूमि में तुम्हें उनकी आवश्यकता होगी। वाली अत्यंत शक्तिशाली है, परंतु हनुमान को पराजित करना इतना सहज नहीं। इस युद्ध में जिसकी विजय होगी वही सर्वशक्तिशाली प्रमाणित होगा। आज महाबली हनुमान और युवराज वाली के मध्य भयंकर युद्ध होने वाला है। देखो, युद्ध स्थल के मध्य में इन दोनों की गदाएं रखी हैं और जैसे ही ये उन्हें उठाकर एक दूसरे पर वार करेंगे युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। युवराज वाली के नेत्रों को देखो, जैसे घृणा और क्रोध की ज्वाला से धधक रहे हों। अनेक प्रकार के वरदान मुझ में समाहित हैं। अनेकों बार युद्ध अस्वीकार कर मुझसे बचता रहा है ये मरकट। सुग्रीव की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मैं लेता हूं, अतः मेरे जीवित रहते सुग्रीव का कोई अहित नहीं कर पाएगा। हनुमान, तुम यहाँ क्यों आ गए? वाली भैया मेरे साथ तुम्हारा भी अनिष्ट करेंगे। सुमेरु के राज मुकुट पर आपका कोई अधिकार नहीं है, तो फिर उतारिए उसे और रख दीजिए उसे मेरे चरणों पर। बस, बस। वाली भैया से ही अनावश्यक युद्ध करने के लिए विवश है हनुमान। सुग्रीव भैया के प्राण की रक्षा और अपने पिताश्री के वचन को पूर्ण करने का और कोई उपाय ही नहीं छोड़ा है वाली भैया ने। मरकट, अब होगा हमारा युद्ध। तुम्हारी आधी शक्तियां प्राप्त कर तुम्हें पराजित करने की मेरी इच्छा पूर्ण होगी। फिर देखता हूँ कौन रोकेगा मुझे समस्त वन राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने से।
कैसा दुर्भाग्य है, अपने वाली भैया पर वार करना होगा हनुमान को। नहीं, मुझे पुनः वाली भैया से अनुरोध कर इस निरर्थक युद्ध को थामने का प्रयास करना चाहिए। वाली भैया, आप हनुमान के अग्रज हैं। हनुमान आपसे अपार स्नेह करता है। वाली भैया, हनुमान आपका शत्रु नहीं, आपका मित्र है। वाली भैया, हनुमान का ये निवेदन स्वीकार कर लीजिए। शांति पूर्वक एक बार पुनः विचार कर लीजिए। सुग्रीव भैया को मुक्त कर इस व्यर्थ युद्ध को टाल दीजिए। टाल दूं ये युद्ध? जाने दूं तुम्हें यहाँ से? अपने परम शत्रु को। स्वयं को सर्वश्रेष्ठ योद्धा प्रमाणित करने का अवसर गवा दूं? मरकट, मूर्ख समझा है महान तम वाली को? ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा मैं। महान तम वाली अपने निश्चय पर अडिग है। यह युद्ध भी होगा और महानतम वाली के हाथों तुम्हारी पराजय भी। अहंकार क्रोध ईर्ष्या भर आया, हृदय वाली ने कलुषित पाया। वाले योद्ध में रचे कुनीति, हनुमत हृदय निश्चल सुनीति। हनुमत वाली से रखते प्रीति, वाली मन में बसे कुरीति। विषधर चंदन लिपटे रहते, किंतु चंदन विष में ना होते। माता हूँ तुम्हारी हनुमान, तुम्हारा हृदय कितना निष्कपट और निर्मल है। जानती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे भ्राता समान वाली से युद्ध करने में कितनी वेदना हो रही होगी, किंतु वाली अपना हठ नहीं त्यागने वाला। अपना अस्त्र उठाओ पुत्र। सत्य, यदि वाली पराजित हो गया तो उसका अंत हो जाए, और यदि वो जीत गया तो सुग्रीव का वध कर। दोनों ही अवस्थाओं महाराज ऋक्षराज और महारानी को अपने दोनों पुत्रों में से एक पुत्र को खोना ही होगा। मैं हनुमान के लिए बहुत चिंतित हूं, किंतु उस मां के दुख की कल्पना भी नहीं कर सकती जिसके दोनों पुत्रों के जीवन संकट में हो।
और केवल एक की ही प्राण रक्षा हो सके। तुम मुझे वचन दो कि तुम हमेशा सुग्रीव की रक्षा तो करोगे, किंतु तुम्हारे और वाली के मध्य कभी युद्ध की स्थिति बनी तो तुम उसका वध नहीं करोगे। महारानी माँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। हनुमान, तुम्हें मुझसे युद्ध तो करना ही होगा, तुम्हारे अंत के साथ ही इस युद्ध का अंत होगा।